इंडिया में टोयोटा लाने जा रही है मारुति अर्टिका पे बेस्ड एक गाड़ी जो कि बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पे होगी। आप लोग तो इस चीज के बारे में जानते होंगे कि मारुति के जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो बलिनो का हो, चाहे वो ग्लैंजा को हो, चाहे वो ग्रैंड विटारा को हो, चाहे वो फिर अर्टिका को हो, सभी पे टोयोटा जो है गाड़ियाँ बेस्ड करके बनाती है और दोनों गाड़ियों के पार्ट्स एक दूसरे गाड़ियों में लग जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि टोयोटा अर्टिका वाली गाड़ी पर कौन सी गाड़ी लॉन्च करने वाली है। बस वीडियो को छोटा सा लाइक करके 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जाके सब्सक्राइब करना। चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाड़ी का नाम है टोयोटा रोमैन, जो कि पूरे ही अर्टिका पे बेस्ड है। 1.5 लीटर का इंजन सेम आता है उस गाड़ी में भी, और इस गाड़ी में भी 1.5 लीटर का सेम इंजन देने वाली है। पेट्रोल में अवेलेबल कराई जाएगी, हालांकि अर्टिका जो है वो सीएनजी के साथ भी इंडियन मार्केट में आती है। डायमेंशंस गाड़ी के सेम होने वाले हैं, टोयोटा का लोगो है बस, और रोमैन की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि टोयोटा की गाड़ियों के जो परफॉर्मेंस है और टोयोटा के इंजन ज़्यादा रिलायबल होते हैं, तो भाई मैं सच बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम इंजन जो 1.5 लीटर का आता है वही सेम इंजन अर्टिका में देखने को मिलेगा, वही सेम इंजन टोयोटा की इस रोमैन में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ टेल गेट, टेल लैम्प, अर्टिका का पूरा स्ट्रक्चर जो है इस गाड़ी में उठाकर डाल दिया, चाहे इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, या कोई भी डिफरेंस बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं। सिर्फ गाड़ी की बैजिंग, नाम और टोयोटा का लोगो जो है अलग दिख रहा है। अंदर बिल्कुल सेम है, रियर एसी वेंट वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। सनरूफ जैसी चीज़ें इस गाड़ी में भी अवेलेबल नहीं कराई जाएंगी, और मेन गाड़ी टोयोटा की है, लेकिन कह सकते हैं कि इंजन रिलायबल है, तो ऐसा मेरा मानना तो नहीं है। आप लोग जरूर बताना आप लोगों की क्या राय है इस गाड़ी के बारे में। क्या यह मारुति सुजुकी अर्टिका गाड़ी को टक्कर दे देगी, जो कि 7 सीटर में प्रीमियम सी गाड़ी आती है लेकिन सेफेस्ट गाड़ी नहीं है वो भी, और क्या ये टोयोटा की सेफेस्ट गाड़ी हो सकती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे और भी ऑटोमोटिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।